हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हम आज एक अलग डेरिवेशन करेंगे जिसके अंदर प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यानी कि मोशन अंडर रिपल्शन वेरिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि कोई एक पॉइंट है O जो प्रतिकर्षण के केंद्र है, वो एक पार्टिकल सरल रेखा में गति कर रहा है और कोई बिंदु O उस पे प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है। तो एम द्रव्यमान का कोई कण है, एम द्रव्यमान का कोई कण है कि गति जो प्रतिकर्षण बल म्यू एम म्यू एक्स के अधीन गमन करता है, यानी कि उसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, फोर्स, जो क्या होता है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वो क्या है एम म्यू एक्स, जो एक्स है वो प्रतिकर्षण केंद्र ओ से उस पॉइंट की दूरी है। ये मान लो कोई पॉइंट पी है जिसपे प्रतिकर्षण बल लग रहा है O से और वो दूरी x के समानुपाती है, ठीक है ना। तो इसके अधीन वो हमारा पार्टिकल गति कर रहा है, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक मान लो हम पार्टिकल हमारा पार्टिकल पॉइंट P पे है तो उसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, बल की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, मतलब पी को इधर धकेल रहा है वो। तो एम से हम काट देंगे हम, तो यहां से अपने पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ गया, म्यू एक्स आ गया, ठीक है। तो यहां से अब सिंस देखो यहां पे नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव कब आता है, जब हमारी डायरेक्शन ओ की तरफ, ओ अपनी तरफ खींचता है, यानी कि दूरी के साथ दूरी कम हो रही है और हमारा फोर्स है वो बढ़ रहा है, तब वो नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे क्या है, दूरी के साथ साथ वो प्रतिकर्षण इधर जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, दूरी के समांतर, यानी कि दूरी इधर बढ़ेगी और हमारा प्रतिकर्षण बल भी इधर बढ़ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, वी डीवी बाय dx is equal to mu x, x को इस साइड ले जाओ और v dv is equal to mu x dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो, v square by 2 is equal to mu x square by 2 plus c, 2 को आप c में इंक्लूड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला इक्वेशन क्या आ गई, v square is equal to म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया ए से, ए हमारा कोई पॉइंट है, विरामावस्था से हमने चलना स्टार्ट किया, तो यहां पे मैं केस बनाऊंगा दो तीन। मान लो कि हमने ए से जीरो वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, यानी कि विरामावस्था से, या फिर हमने ए से ओ की तरफ किसी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल को फेंका, तो उसका मोशन क्या होगा। तो केस नंबर वन, When, या फिर जब हम A से विरामावस्था से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, जब हम विरामावस्था चलना स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि t बराबर जीरो और हम मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है a हमारा o से a दूरी पे है, यानी कि इसका आयाम, ठीक है, वो a है, यानी कि जब x इज इक्वल टू a है देन v इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर प्लस c, यहां से c इज इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर आ गया, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, v और x में रिलेशन आ गया,
जब हम ए से विरामावस्था में चलना स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, टी और एक्स में रिलेशन निकालेंगे कि यानी कि टाइम टी पश्चात वह पॉइंट किस पॉइंट पे होगा। अभी यहाँ पे नोट करने वाली बात यह कि अगर हमने यहाँ पे विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया ना, तो कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, बिकॉज ये प्रतिकर्षण बल है। इस साइड चलना है तो हमें यहाँ से पार्टिकल को फेंकना होगा किसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा पॉइंट कहीं ना आगे होगा, कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि तभी ये ठीक है, जो भी है। अभी क्या करेंगे हम, इसका टी और एक्स में रिलेशन निकालेंगे। तो आप इसका अंडर रूट ले लो, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको क्या लग सकते हैं, dx बाई dt, dx बाई dt। इस नंबर को आप इधर डिवाइड कर दो और dt को इस साइड ले जाओ, यानी कि dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू, अंडर रूट म्यू dt, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स हो जाता, तो अब इसका होता है कोस हाइपरबोलिक, तो इसका होता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, या फिर आप अपनी पीछे बुक में देख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी वन ले लो। तो जब हमने ए से चलना स्टार्ट किया तब टी बराबर जीरो पे एक्स की वैल्यू क्या थी, ए थी, तो इस सी की वैल्यू निकाल लो। तो कब, व्हेन एक्स बराबर ए देन टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी, यहां पे ए रखो तो ये आ गई कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वन इज इक्वल टू सी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अब आपको ये नहीं पता होगा कोस हाइपरबोलिक क्या होता है, तो ये देखो ये लिख लो, कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय टू। अब आपको क्या चाहिए, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वन का, ठीक है। तो यानी कि कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू वन हो, यानी कि x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वन की वैल्यू चाहिए। ये वन किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय टू के, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये 1 बन जाता है, cos hyperbolic x की किस वैल्यू के लिए 1 बन जाता है, यानी कि x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए बन जाएगी, 0, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 बाई 2। तो when x इज इक्वल टू 0 देन cos hyperbolic 0 इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0 बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1, ये क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 0। तो ये वैल्यू होगी 0। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, रूट म्यू टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। अदर फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, इसको इस साइड ले आओ तो वो इसके कॉस लग जाएगा और ए से मल्टीप्लाई करवा दो, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट म्यू टी। तो ये हमारे पास एक्स और टी में रिलेशन आ गया, कब, जब हम ए से विरामावस्था में चलना स्टार्ट करते हैं
ओ के प्रतिकर्षण बल से, जो प्रतिकर्षण बल क्या है, दूरी के समानुपाती, ठीक है ना। तब हमारे पास फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं V और X में, ओके। अब दूसरा केस आता है जब A से V वेलोसिटी से हम O की डायरेक्शन में कोई पार्टिकल को फेंकते हैं, तब हमारे पास डेरिवेशन क्या होगा। तो देखिए, सेकंड, जब कण को ए से ओ की तरफ वी वेग से फेंका जाए, समझे, जब हम पार्टिकल को ए से ओ की तरफ वी वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो हमारे पास डेरिवेशन क्या होगा। तो पहले तो आप इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आप ओडी पढ़ रहे हैं ना, ओडी आपने पढ़ा भी है पिछली क्लास में, तो इस साइड ले आओ इसको, तो क्या हो गया, इसको लिख रहा हूं मैं डी स्क्वायर एक्स माइनस इसको म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डी स्क्वायर माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो डी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट म्यू आ चुका है ना। तो यानी कि एम की वैल्यूज आ गई है, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते ना, वहां से इसके रूट ये आ गए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट म्यू टी प्लस सी वन ले लो, और सी टू ई की पावर माइनस अंडर रूट म्यू टी, ये होता है हमारा क्या, इसके सॉल्यूशन, ठीक है। और इन अदर वर्ड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू सी वन कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी और प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से देखो आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, इसको कॉमन ले लो, कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी इज इक्वल टू ई की पावर टी, सॉरी ई की पावर रूट म्यू टी प्लस ई की पावर माइनस रूट म्यू टी बाई टू होता है ना, ये होता है, ठीक है, ओके। मैं इसको दो पार्ट में लिखूंगा, आपको ये प्रूव करना है ना कि ये वाला होता है, क्योंकि बुक में ये वाला यूज कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ ये आता कहां से है। इसको देखो क्या लिखेंगे हम, सी वन ए की पावर रूट म्यू टी बाय टू और प्लस सी वन ए की पावर रूट म्यू टी बाय टू लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेम यहां इसको लिखेंगे, प्लस सी टू ए की पावर माइनस रूट म्यू टी बाय टू प्लस सी टू ए की पावर माइनस रूट म्यू टी बाय टू, ठीक है। अभी ये नंबर इसके साथ ले लो, ठीक है, तो इसके साथ इसको ऐड कर दो, ये होगा सी वन ए की पावर रूट म्यू टी बाय टू और प्लस सी टू ए की पावर माइनस रूट म्यू टी बाय टू, और इसको इसके साथ ऐड कर लो, C1 e की पावर रूट म्यू टी बाय टू और प्लस C2 e की पावर माइनस रूट म्यू टी बाय टू, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एक साथ लिख लेंगे और इनका एडिशन ले लेंगे, तो इनका नया नाम दे दो, A दे दो कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यूज हम बाद में निकालते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, तो पहले इनको एक नाम दे दो, ए दे दिया, और इनका एडिशन क्या हो गया, कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। यहां से देखो, सी वन माइनस सी टू
यहाँ पे मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, तो C1-C2 को नया नाम, नया आर्बिट्रेरी वे दे दिया B, और यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, इसको माइनस को मैं ले रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये बन गया आपका साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। ठीक है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इस एक्स की दूसरी फॉर्म है ये। ओके, अब हम वैल्यूज निकालेंगे इस कॉन्स्टेंट की, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आती है हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एक्स और टी में, और फिर हम वी और एक्स में भी रिलेशन निकालेंगे। तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिख रहा हूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस बी साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। अब देखो यहां से जब हम ए से चले इस साइड, तो हमारे पास वेलोसिटी v और x की वैल्यू a और टाइम क्या था जीरो। तो व्हेन व्हेन t इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू a एंड वेलोसिटी v, इसको u ले लो, कंफ्यूज नहीं हो गए, u इज v इज इक्वल टू क्या है, इस साइड फेंक रहे ना, तो वेग हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि हम इस साइड से, हमारे पास जो प्रतिकर्षण बल है वो इस साइड है, डायरेक्शन इस साइड है, तो इस साइड जो भी लोगे वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव यू। तो अब ये वाला दोनों यूज करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो और टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दी और टी की वैल्यू जीरो जीरो, तो कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू होती है वन। अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे प्रूव करके, क्या कोस हाइपरबोलिक जीरो इज इक्वल टू वन होता है और साइन हाइपरबोलिक जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। कैसे, साइन हाइपरबोलिक जीरो का मतलब क्या है, ए की पावर जीरो माइनस ई की पावर जीरो बाय टू, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, वन माइनस वन बाय टू यानी कि जीरो। ओके, तो ये वैल्यू वन, ये वैल्यू जीरो, तो बी ये जीरो हो गया, ओनली ए बचा हमारे पास, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्मॉल ए आ गई। अभी देखो इसका डेरिवेटिव कर दो, dx by dt इज इक्वल टू क्या होगा, a cos का जब भी आपका डेरिवेटिव करना हो d by dt cos हाइपरबोलिक, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मान लो c t है, तो ये c बाहर आ जाएगा और cos का ओनली डायरेक्ट होता है साइन, साइन हाइपरबोलिक c t, साइन का करोगे तो ओनली कोस आएगा, डी बाय डी टी साइन हाइपरबोलिक सी टी करोगे तो सी बार आ जाएगा और कोस हाइपरबोलिक सी टी, यानी कि इनके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन नहीं आता है, जैसे साइन का करते हैं कोस आता है डेरिवेटिव और कोस का करते हैं तो माइनस साइन आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से कर सकते हो, मैं करके बता देता हूँ आपको, कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई टू प्लस होता, सॉरी, तो इसका डेरिवेटिव करो आप डी वाई डी एक्स करोगे तो इसका कर दो, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर एक्स रहेगा, इसका करोगे तो माइनस नीचे आ जाएगा और बाई टू है ही, तो ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स बन गया। ठीक है, सिमिलरली आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का करके देख सकते हो, वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आएगा। तो देखिए इसका क्या होगा, रूट म्यू बाहर आ जाएगा और कोस का हो गया साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी और प्लस बी, इसका रूट म्यू बाहर आ जाएगा और इसका हो गया कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, जब टी इज इक्वल टू जीरो तो वी बराबर माइनस यू, वी यानी कि ये वाला dx by dt को क्या लिख सकते हैं हम, वी, तो ये हो गया माइनस यू और यहाँ पे ये वैल्यू टी इज इक्वल टू जीरो रखते जीरो हो गया और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू वन, तो ये आ गया बी रूट म्यू, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस यू बाय रूट म्यू, वी हमारा इनिशियल वेग था ये ओ की डायरेक्शन में।
तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। एक तो क्या है ये v वेलोसिटी, v इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये रहा कांस्टेंट a, a रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, और b की वैल्यू क्या आ गई थी ये वाली माइनस यू बटा अंडर रूट म्यू कैंसिल आउट, तो u cos हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, ये तो हमारा हो गया वेग। कब है ये वेग, जब हम ए से ओ की तरफ कोई इनिशियल वेग यू से कोई पार्टिकल को फेंके, तो किसी टाइम टी यानी कि पॉइंट पी पे पहुंच जाएगा, तो उस पी पे उस पार्टिकल का वेग इस समीकरण से निकालेंगे। और जब एक्स निकालना हो इस पॉइंट पी पे तो क्या निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, ये रहा यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो और बी की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, और बी की वैल्यू आ गई माइनस यू बाय रूट म्यू और साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। इस समीकरण से हम उस पार्टिकल की दूरी निकालेंगे, कहां से, ओ से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आज आप नोट डाउन कर लीजिए और ये डेरिवेशन एक बार अच्छे से दोबारा अपने होमवर्क बुक में लिख लीजिए, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये गति थी किसमें, प्रतिकर्षण बल के अधीन, यानी कि ओ हमारा प्रतिकर्षण का केंद्र हो, ओ कोई पार्टिकल ए से किसी कोई बिंदु ए से किसी पार्टिकल को ओ की तरफ फेंकते हैं तो उस पर एक बल कार्य करेगा ना, तो वो पार्टिकल इस साइड आएगा, तो उसमें किसी टाइम टी पे बिंदु पी पे होगा, उस पी पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी और ओ से दूरी क्या होगी, ये वाला। तो ये डेरिवेशन था, तो इसको आप कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।